पटना सिटी में लोगों को खूब भा रहा है बटरफ्लाई लिट्टी। जी हाँ, बिहार का लिट्टी चोखा की बखान विदेशों में तो की ही जाती है, लेकिन पटना सिटी में गुरु गोविंद सिंह पथ में मनोज बटरफ्लाई लिट्टी की मांग आजकल सातवें आसमान पर है। 2002 से बटरफ्लाई लिट्टी का कारोबार शुरू करने वाला मनोज के पास लिट्टी की काफी डिमांड बढ़ गई है। वहीं बटरफ्लाई लिट्टी का स्वाद लेने दूर दूर से लोग आ रहे हैं। स्वादिष्ट एवं मुलायम होने के कारण बटरफ्लाई लिट्टी चर्चा का विषय बन गया है। बटर लिट्टी आप लोग किस तरह से बनाते हैं और लोगों का काफी देख रहे हैं आपके काउंटर दुकान पे काफी भीड़ लगी रही है, क्या खासियत? ऐसा है कि हम लोग बटरफ्लाई लिट्टी बनाते हैं, पहले आटा को गूंथना पड़ता है, चने का सत्तू उसमें पड़ता है और अदरक लहसुन प्याज मिर्च अंग्रेला जमाइन मेथी ये सब डालकर उसको मिक्स कर मसाला बनाया जाता है। उसके बाद आटा में मतलब उसको डालकर चूल्हा पे तो हाँ तेज ताव पे उसको पकाना पड़ता है। पकाने के बाद उसको फिर तावा में डालकर उसको एक लिट्टी को दो पीस में कर उसको मक्खन में उसको तलने के बाद कस्टमर को हम लोग देते हैं। क्या क्या ज़्यादा बर है इसके लिए क्या साथ में देते हैं? उसके लिए हम लोग सरसों का चटनी देते हैं, सलाद देते हैं, अचार देते हैं। क्या कीमत है? क्या 30 रुपये का दो आता है बटरफ्लाई। दिन भर में क्या कितने लोग कारोबार हो जाता है आप लोग का लिट्टी का? 6-7 हज़ार का कारोबार हो जाता है। कितना पूंजी लगाने के बाद कितना आप लोग को प्रॉफिट होता है? करीब करीब अगर मान लिया कि 6-7 हज़ार का बिकता है तो उसमें 35-40 रुपया लागत लगती है और दो स्टाफ हैं, एक हम हैं, हम लोग 3 जन काटते हैं। तो क्या कितना बच पाता है सभी को मजदूरी करने के बाद? काटने के बाद किराया काट का 500-700 का। क्या नाम हुआ जी? मनोज कुमार। कितने वर्षों से कारोबार कर रहे हैं? ये मेरा 2002 से कारोबार कर रहे हैं।